अंतिम प्रणाम भी ना कर सके थे उन जाने वालों को और हम दिलासा भी ना दे सके थे उन नन्हे मासूमों को। सच में कितना भयानक था वो समय। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। चाइना में एक भयंकर बीमारी कोरोना वायरस का पता चला है। WHO का कहना है ये बाकी देशों में भी फैल सकती है और बीमारी महामारी का रूप ले सकती है और नियमों का पालन करने को भी कहा गया है, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। अरे क्या कोरोना चाइना में हुआ है, इंडिया चल के आएगा क्या? कुछ भी बातें करते हैं, चलो चलो काम पर लगो। दीदी दीदी मास्क ले लो। दीदी सुनना दीदी। अरे यार दीदी तो सुन ही नहीं रही है। भैया मेरे मास्क ले लो ना। हाँ चल चल हमें नहीं चाहिए मास्क। मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, मैं भैया से पूछता हूँ। भैया भैया ये मास्क ले लो। आप ये मास्क क्यों दे रहे हो सबको? मैं बस सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे भी एक मास्क दे दो। थैंक यू भैया, आप ये मास्क हमेशा पहन के रखना। ओके बाय भैया। ओके बेटा। कोरोना ने दी भारत में दस्तक, पीएम मोदी ने कहा आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इंजेक्शन तो है पर इतने का है, ले पाओगे? ठीक है जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर ये इंजेक्शन मुझे ही दो। सॉरी आप इंजेक्शन लाने में लेट हो गए। By PM Modi, close to a year apart of test limit.
के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी भूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दिया आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। अभी कल की ही तो बात है, लोग सुंदर की पीली रोशनी से हमें नहलाते थे, लोग गाड़ियों की हॉर्न से कान में संगीत खो जाते थे। वैसे तो हम बेचारे हैं, पर सड़कों की चहल कदमी से हम भी सिंगा नजर आते थे।